सिद्ध बाबा जी के मंदिर पे, और अभी मैं हूँ इस टाइम हूँ बुलंदशहर में, और चलते हैं अंदर दिखाते हैं पूरा नजारा भाई मंदिर का चल के आपके लिए। काफी प्यारा मंदिर सजा हुआ, बहुत ही प्यारा मंदिर है, और पूरा अंदर का दिखाते हैं पूरा नजारा आपके लिए चल के। पता आ चुका हूँ अंदर मंदिर के, और भाई दिखाता हूँ भाई पूरा वीडियो, और भाई पूरा वीडियो देखें और सपोर्ट करें अपने भाई के लिए। आ गया हूँ अंदर, देख सकते हो ये है काफ़ी प्यारा मंदिर है, और इधर लगी हुई है झारपीर बाबा जी की प्रतिमा, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शायद ताला लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपके लिए खोल के दिखाता हूँ। ये समाधि है झारपीर बाबा जी की, देख सकते हो, और काफ़ी प्यारा नज़ारा है, और पूरा वीडियो देख सकते हो, सपोर्ट करा अपने भाई के लिए। फैमिली गाइस, मैंने अभी आपके लिए दिखाई होगी झारपीर बाबा जी की समाधि, और आप भी सोच रहे हो कि समाधि कैसे है इस मंदिर में। मैं भी अचंभक हूँ, मेरी बात हुई थी पंडित जी से, उन्होंने कहा था कि वैसे तो बांगड़ में स्थित है, इनका आधा शरीर यहाँ पर आ गया था इस मंदिर में सिद्ध बाबा जी धाम में, और इस इन्हों का शरीर के लिए यहाँ पे दफनाया गया था और समाधि बना दी गई थी। और ये मंदिर आहर में स्थित है, जो बुलंदशहर के पास में एक गांव है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। मंदिर के अंदर एक जो काफ़ी बड़ा मंदिर है, और दिखाते हैं आप लोग पूरा वीडियो, दिखाता हूँ आप लोग बैक कैमरा से भाई पूरा सपोर्ट करें। फाइनली गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सामने वाले मंदिर पर, जो काफ़ी बड़ा मंदिर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी का बसेरा था यहाँ पे, और इसी के ज़रिए से झारपीर बाबा जी की आधा हिस्सा इधर मंदिर में आया था, और उनका आधा शरीर यहाँ दफनाया गया था इसी के ज़रिए से, यानी कि झारपीर बाबा जी की समाधि बनाई गई थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये बुलंदशहर के पास में स्थित है आहर एक गांव है, पूरा ब्लॉग आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति इस मंदिर में सच्चे मन धन से आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है श्री गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से और झारपीर बाबा जी की कृपा से। जैसा कि मुझे न्यूज़ मिली है, वैसा मैं आपके लिए पूरा पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि यह जानकारी सब मुझे एक पंडित जी हैं उनके ज़रिए से मिली है, और मैं उनके साथ में बैठा था, मैंने भी कहा था कि मैं आपके एक वीडियो शूट कर लेता हूँ, उन्होंने मना कर दिया, नहीं बेटे मेरा वीडियो मत शूट कर दीजिए, मैं इनके बारे में पूरा जानकारी आपको दे देता हूँ, आप पूरा लिख कर इनके लिए पूरा बायोडाटा में बता दीजिएगा अपने सब्सक्राइबरों के लिए। देख सकते हो आप पूरा नज़ारा भाई। आपके लिए बताया ऐसी जगह लेकर चलता हूँ, यहाँ पता है छोटी छोटी बताया सिबलिंग रखी हुई हैं, काफ़ी प्यारी लग रही हैं, मैंने बताया पहली बार देखी हैं, जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, देख सकते हो इधर साइड से भी काफ़ी छोटी हैं, और एक ये देखिएगा लाइन से रखी हुई हैं, दिखाता हूँ मैं आपके लिए बताया पूरा बैक कैमरे से नज़ारा, सपोर्ट करें भाई। फैमिली गाइस, पता मेरे मुँह से निकल गया था कि सिबलिंग है, ये सिबलिंग नहीं है, कुछ और बने हुए हैं मटिया जैसी। अगर आपके लिए इनके बारे में कुछ नॉलेज हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनके बारे में मैंने कुछ पूछा नहीं था। इस टाइम देख सकते हो काफ़ी दूर तक बनी हुई है, या छोटी छोटी मटिया सी जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, अगर आपके लिए पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें यार, थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी मिले। और सामने देख सकते हो एक महिला जी आ रही हैं, और सामने एक है हमारे भाई, वो भी जल के लिए छिड़क रहे हैं, और इधर साइड से चार मठिया यानी पाँच मठिया बनी हुई है जो मैं घूम के दिखा रहा हूँ आपके लिए, और इधर साइड से छोटी छोटी सी बने हुए खाने देख सकते हो, इधर भी सभी लोग यानी कि जल छिड़कते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं अपनी। अब मैं आपके लिए लेके जाऊंगा सबसे ऊपर वाले मंदिर पे, जो सिद्धपीठ बाबा जी का मंदिर है वहाँ पे,
ऊपर बैठे हुए हैं बाबा, और काफ़ी अच्छी कार्य सी प्रतिमा बनी हुई है। और इधर साइड से एक भाई हैं, वो पूजा कर रहे हैं, बहन भी हैं भोले शंकर जी के शिवलिंग की। और ये घंटी टंगी हुई है, देख सकते हो आप, काफ़ी दूर आया हुआ है आपका भाई। और सामने यही बाबा बैठे हुए हैं, इनसे ही मैंने जानकारी ली थी पूरी। सामने देख सकते हो महंत श्री बाबा जी बैठे हुए हैं, और देख सकते हो ऊपर वाले मंदिर पर, देख सकते हो ये सामने लगा हुआ है, वहाँ पे चलता हूँ दिखाता हूँ पूरा नज़ारा भाई आपके लिए। भाई हम सबसे ऊपर देख सकते हो, और यहाँ पे एक बाबा हैं सिद्ध बाबा, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है जो मैं दिखाता हूँ आपको, बताया पूरा बैक कैमरे से भाई नज़ारा यहाँ का, काफ़ी प्यारा बेहतरीन नज़ारा है। और पूरा ब्लॉग देखें, सपोर्ट करें अपने भाई के लिए यार, काफ़ी दूर आया हुआ है इस टाइम हूँ मैं यार। फाइनली गाइस, ये है वीडियो का लास्ट लोकेशन है जो सिद्ध बाबा जी की प्रतिमा लगी हुई है, वो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। और आपके लिए वीडियो में ज़रूर आनंद आया होगा, इसीलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और आपका भाई आया हुआ है बुलंदशहर में। फाइनली गाइस, अगर पता है वीडियो में आपके लिए भाई मज़ा आया तो ज़रूर भाई लाइक करें, शेयर करें, सल्लू बिल्सी यूट्यूब चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने आपको पता मंदिर का पूरा डिटेल दिखा दिया है, श्री सिद्ध बाबा जी धाम मंदिर का। और इस टाइम हूँ मैं बुलंदशहर में, और सपोर्ट करने वाले अपने भाई के लिए। जय हिंद।